4000 इस नंबर के लिए हम भाई चंडीगढ़ में धक्का खाते ढोले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या चाल है आपके? आई होप आप अपने घर होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। भाई मेरी फॉर्चुनर जो गाड़ी है वो ना बुरा मान गई है कि यार तुम एक बात बताओ, नंबर खरीदे तुमने 4-5 दिन हो गए, 31 तारीख को लेकर आया था। हाँ 31 को मैंने नंबर लिया था और आज तारीख होगी 6-7 हो गई आज, है ना, तो 7 दिन हो गए। तुम्हें शर्म नहीं है क्या? है इस पे तो बड़ी जल्दी चढ़वा दिया तुमने, इस पे तो अब इस पे भी चढ़वा दो। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का नंबर लेने के लिए फॉर्च्यूनर का। वहाँ से भी फ़ोन आ गया था मेरे पास कल परसों, एक बार मैं नीचे कर देता हूँ, रुको। परसों मेरे पास फ़ोन आ गया था टोयोटा से कि सर हमने आपकी नंबर प्लेट मंगा ली है, आप आ जाओ और ले जाओ। टाइम मिला नहीं, आज मिला। एक तो मेरे बाल ना ऐसे रहे, कर देंगे ना। तो एक बार चलते हैं आज टोयोटा के शोरूम, उससे पहले चलेंगे एक बार पंडा के शोरूम में, वहाँ तो मैंने थोड़ा सा काम करना है। पहले पटियाला को उठा देता हूँ, पटियाला खेत पे तो उठा के देखता हूँ। संदीप अगर चला तो संदीप से भी पूछ लूंगा, नहीं तो मैं यार पटियाला निकलेंगे। गणपति बाबा मोरिया। गाइज अगर आपकी गाड़ी में जैसे भगवान की मूर्ति हो तो सबसे पहले बैठो, ठीक है, हाथ जोड़ो और बाबा का जयकारा लगाओ। उसके बाद कभी भी गाड़ी को ना एकदम से पीछे मत लिया करो, आगे ले करो, बेशक तो इतनी सी आगे ले लो। अगर मान लो जगह ना है ना इतनी जगह, तो इतनी सी आगे लो, फिर बैक गियर लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहले आगे का लगाया करा, इसमें मेरी तो शायद कट जाएगी। ए ए ए ए कट गई भाई, तो अपना आगे लेके चले करो, ठीक है यार। पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है देखना, है हद तो ज्यादा, मतलब इसमें कैमरे में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और अभी तो बम वगैरह कुछ भी ना छूटे, पर सरकार ने अभी वो कर दिया, स्कूल बंद हो गए। जितने भी बड़े बड़ी गाड़ी रहे ना, बस रहे, डंपर रहे, जेसीबी, क्रेन व्रेन, ये सारी की सारी बंद कर दिए यार। अभी तो कुछ भी ना हुआ, दिवाली तो बाकी है, 5 दिन बाद तो मतलब मुंह लगा लो ढक जाएगा सब कुछ। आइए पटियाला से जींस और शर्ट दना दन ढोल है भाई। पटियाला का पता ना कैसे है, तैयार सुबह सुबह तैयार होकर निकलने करते हैं। ओहो, लाला की गाड़ी भी यहीं तक रखी हुई थी, सारी यही है भाई, सब कुछ यही है। लेकिन मेरा ऐसा रहा है, एक दिन व्लॉग करूंगा, ठीक है, दूसरे दिन मैं उसी ड्रेस में और सोऊंगा मस्त पूरे दिन। रात तो मैं भी सो रहा था यार। पटियाला तू यार ना मेरा कैसे तैयार होकर आ जाओ यार, तो भाई तेरी वो है छाती है तेरी भाई, हम तो उठे ही ना, वहाँ चल रहे हैं। पर नंबर प्लेट लेने के लिए उसको पूछे, संदीप तो आ रहा है, आ रहा तो उठा लेंगे, नहीं तो फिर सीधे निकल लेंगे। पटियाला बिग बॉस देख रहा है? अरे मैं ना देख रहा है भाई, कल देखा मैंने, उसमें वो ना है नील नील करके एक है, ठीक है, वे मेरे ख्याल से उसमें आवे सीरियल वीरियल में आवे, तो उसकी जो बहू है भाई वो इतनी बेवकूफ बहू है, उसे बोलने की तमीज ना। हाँ वो के नाम है, वो अभी उसकी लड़ाई तो देख रहा था अंकिता लोखंडे के साथ जो लड़ाई। हाँ अरे वो अंकिता की गैल हुई है और उसके चुड़ैल चुड़ैल गैरिस्ता उसकी गैल हुई है, और उसके एक उसके पति वाले पति थे भी और उसके खुद के पति थे भी हुई है, तो भी उल्टी बोल रही है बहुत कैडी। हमने पति थे। हाँ बिग बॉस मेरा क्या कह रहा कि आपको शायद उसका नाम तो यार के नाम है ऐश्वर्या है शायद, पता ना कुछ होएगा। हाँ ऐसा ही है। हाँ। कि आपको प्रतिक्रिया समझ में आ गई है तो नुगरी हाँ आ गई है, आपको भी समझा दूंगी। माँ कसम नहीं कह रही कसम भाई मतलब उल्टी बोल रही है, खुली उल्टी बोल रही है। सलमान खान निपटाएगा उसका, अगर सलमान खान तभी उल्टा बोलगी ना वो सलमान खान तो थोड़ी बोला यार उल्टा ना, कई रहे बेवकूफ रहे ना, कई बहुत ज्यादा बेवकूफ तो बोल जावे। एक छोरी थी पहले, बहुत पहले, जो सलमान तभी उल्टी उल्टा बोल रही थी वो बढ़िया। सलमान तो चोट वो पहले में एक आया था, पता कौन आया था, वो गंजा सा था शुरुआत वाले में, ठीक थी। दूसरी थी तो उसने उल्टा बोल दिया था भाई, सलमान खान ने नु कही थी कि अगर ये लड़की मुझे कभी भी कलर्स चैनल पर दिखाई दी तो मैं आना छोड़ दूंगा। तो उस दिन के बाद आई ना वो कहीं वो कहीं भी ना ही, फिर वो उसका करियर ही खत्म। अगर करके वो खत्म करवावे, करियर खत्म ना कर रहा, मतलब ऐसे ना कह रहा, पर वैसे कह रहा हूँ अपने पति से उल्टा बोल रही है, गाली बकरी है। अरे अपने चार दीवारी के अंदर खूब गाली बकले अपने पति से, टीवी क्यों बकरी है, टीवी में वो ना मान रही नुगरी, मेरा दिमाग खराब मन ना करे बस। अंकिता तो कह रहा जब वो जैकेट निकाल कर फेंक कर मार रहा है, और उसकी बहू उस उल्टा सीधे बोल रही है बढ़िया। मैंने तो अंकिता का पति बेवकूफ लगे, बेवकूफ से गए हमारे गए यूट्यूबर
कल तो लड़ाई होगी उसकी भाई, कल तो लड़ाई होगी। मारा उसने किसी को? मारा वो मार रहा है तहलका और उस वापस घुत के दोनों है भाई, बेइज्जती करवा रहे सही बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। ढंग के आदमी ना लेंगे तो ऐसी हो यार। हम बस यार ऐसे कामों का सो के ऐसे करवा रखी है बस। जो बिग बॉस में मुझे सही लगे, मतलब देखने में सही लगे, ईशा मतलब वो ठीक है, छोरी ना, मतलब छोरी तो ठीक ना है पर वैसे। अरे छोरी ठीक है यार, वो यार 19 साल ही उम्र है ना उसकी। हाँ 19 साल भाई, इतने दिमाग आवे, मतलब करंट बॉयफ्रेंड भी यार भाई, एक्स बॉयफ्रेंड भी साथ हैं, उससे ना फर्क जिंदगी जीनी है। हाँ उससे ना फर्क, और बढ़िया बड़ा बढ़िया डोल है उसके सामने, उसकी बढ़ाई उसके सामने सही चल रही है, सही चल रही है। मैंने सोचा था कि भाई पोल्यूशन की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां बंद कर रखी हैं, बसें बंद कर रखी हैं, ठीक है, स्कूल भी ज्यादातर बंद हो चुके हैं, तो थोड़ा कम जाम पाएगा पटियाला। सही था ये सोचना मेरा? ना गलत है। क्यों भाई दिल्ली में कर रखा हो यहाँ ना? अरे यहाँ भी है भाई, गुड़गांव में बंद कर दिया सब कुछ। अरे छठी तक के स्कूल बंद करे हैं। अरे छठी तक के करे हो, लेकिन जो बड़ी गाड़ी है ना, डंपर वंपर जेसीबी वगैरह, ये सब बंद कर दिए। हमारी भी बड़ी गाड़ी भाई आवे। अरे ना हमारी ऐसी वाली ना, हमारी तो बहुत बड़ी होगी ना, जो डंपर ना रहे, जेसीबी वेसीबी ये सब कुछ बंद कर दिए, तो मुझे लगा कि वो होगी होगी जाम कम होगा। पर ये भाई गुड़गांव है, यहाँ ना हो कुछ भी कम, यहाँ तो ससुरा बढ़ सके पर कम ना हो सके। भाई हमारा पक्का भाई दोस्त यार सब कुछ आ गया, बड़ा भाई है, बड़ा भाई हमारा, बड़ा भाई। हाँ भाई बड़ा, मेरा तो बड़ा पटेल, तेरा पता ना? मेरा भी बड़ा ना यार। अरे वेर चल बड़े भाई थे तो ऐसे बात करे करे जैसे तू करे। अरे यार कैसी बात कर रहा तू भाई, क्या हाल है? ठीक हो? क्या लेके आये हो? आते वक्त आ जाते क्योंकि वो गया है, तो तैने तो मना करी है लगवाने की। आते वक्त आते तो मैं भी चल देता, तो यहीं तो आप ही आऊंगा वापस आएंगे। जितने बजे तू कह देगा? आधे घंटे में आ जाएंगे, अभी ज्यादा टाइम बताएगा। 6:30 आ जाएं, चल एक बार फोन कर ले बता। ठीक है भाई, पंडा लेके आया है हमारे लिए सैंडविच। कभी भी आओ पंडा के पास तो भाई, पंडा ऐसे नहीं भेजता, मुझे तो नहीं भेजता कभी मेरे लिए ढोकला कभी मुझे तो नहीं भेजता। हाँ तुम्हें भेज देता हो तो पता नहीं भाई, लेकिन मैं जब भी आया हूँ पंडा बढ़िया एक तरीके था, वो लगा लो ऐसा करा जैसे कोई मेहमान ना आ जाए उसकी तरह खातिरदारी करा, जो कि मुझे अच्छा लगता है, तभी मैं बार बार आता हूँ कि भाई कभी पंडा कहाँ जाऊंगा तो अलग अलग डिश मिलेंगी खाने के लिए, सैंडविच। एक बार तो थाली खुवाई थी पंडा ने, और मेरा घर आके एक कल के घर था तो घर आ मेरे भाई तेने तो खान थे मतलब। अरे नहीं यार वो कुछ और बात में कह रहा था यार। हाँ हाँ तो क्या किसी भी बात में कही हो, पर हम बेसरा में भाई हमने खान थे मतलब है, हम खाएंगे अब दोबारा मंगा लिया देख ले, तो ऐसे ही खाते रहे हम तो। नंबर प्लेट तो हम अपना आप भी लगवा सकते हैं वैसे। सुन इसमें है ये छेद, ठीक है, पेच वाला है यार, ऐसे तो बुरी लगेगी अपनी वो नंबर प्लेट, पेच ऊपर दिखेंगे के लगेगी। ना 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 ये पेज दे रखे हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, कवर अड़ जा सकते हैं, है ना? कवर अड़ जा लेंगे। हाँ इसमें तो वो है यार, ये तो परमानेंट लग रही है, जो ये पिन लग रही है ना। ना ना हमें क्यों लगवाएं परमानेंट वाली? क्रिमिनल है जो तार के घूमेंगे। अरे भाई क्रिमिनल ही तार थे थोड़ी डोले, हमने शूट में चाहिए रहे, इस पर कुछ और लिखवाना हो फिर दूसरी गाड़ी लेगा, नंबर प्लेट लेंगे उस पर देखें सही, अगर वो कर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन अलग कहीं बाहर जुगाड़ करवाएंगे। ना मिली मिलेगी सर जाएगी कहाँ? चेक करो यार हमारी तो अलग तो चमकनी चाहिए। और भाई थार दो तो बहुत है यार प्लेट नंबर, बहुत प्लेट है सर मार्केट में। अभी एफ ई सीरीज अभी आई है ना, तो एफ एफ की आ गई, अब तो एफ एफ आ गई, एफ की खत्म हो गई ना, एफ की। अच्छा जी चंडीगढ़ में धक्का खाते ढोले हैं, ठीक है, चंडीगढ़ में दो बार गया हूँ, दो बार सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर के लिए गया हूँ। फाइनली अब ये टेम्परेरी नंबर यहाँ से हटके 0004 ये लग रही है गाड़ी भाई अब तो। चलो जल्दी से आगे, मैंने उसमें लगवाया कवर यूरा अपना, ठीक है, कवर में ले आया था, अब इसमें ये डल जाएंगे, डलने के बाद ये है कि गाड़ी में तो हम अपनी यो नंबर प्लेट निकाल भी सकें और लगा भी सकें, ठीक है ना, उस तरीके से मैं पंच ना करवा रहा पूरा प्रॉपर
सेट करवाऊंगा बस। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इस नंबर प्लेट ना अभी घर ले जाऊं, ठीक है, उसके बाद मनीष तय लगवाऊं, तो अभी टेम्परेरी में ही लेके जाऊंगा घर वापसी। यहाँ इतना जो स्टिकर लगेगा ना वो लगवा लेता हूँ पहले। लो भाई अपने इस पे ये लग जाएगा 0004 का। भाई गाड़ी सरकार ना पता ना क्या क्या रूल निकाल दिए यार, हद तक ज्यादा रूल निकाल दिया। अभी इसमें अपने फोर रख लिए, नंबर प्लेट्स वगैरह कहाँ रख दी, ओ ये रख ली है, ठीक है, उसके बाद अब घर जाकर लगवाएंगे मनीष तक, ठीक है ना। आराम तो ये भाई खिड़की दूसरी खुल रही थी ना इसलिए तुम्हें लगा। हमारी सोसाइटी की सजावट देख लो तुम, भाई वाह एक नंबर बना रहा है कि भाई नीचे तो देखना यार, ये लाइट लाइट सी लगवा कर मैं सोच रहा हूँ अपने ऊपर जो फ्लोर है उसमें भी लगवा दूँ, लट्टू भी लगा रखे हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ खड़ी कर दी है, मनीष आएगा, मनीष तय लगवा लेंगे इसमें नंबर प्लेट। अगर अब कहेगा कि भाई अभी लगा देता हूँ तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह लग जाएगी। अभी फिलहाल मैंने यहाँ खड़ी कर दी, अब मैं अपनी हबीबी या स्विफ्ट को लेकर निकलूंगा कहाँ, बादशाहपुर, तो इसकी चाबी ऊपर रखे आता हूँ, दूसरी गाड़ी के लिए आता हूँ। मामी जी ये लीजिए 0004 की गाड़ी की चाबी, कैसी लग रही है चाबी, मस्त चढ़ वाला है मैं आज पे, मतलब नंबर प्लेट लिया है 0004 की। लगा मोनू देगा, वो कवर लगवा लिया मैंने, अब बस उसमें वो प्लेट डालकर दबाना है, वो मैं दबा दूंगा। मैं क्या हाफ इंजीनियर को भी दिखा देंगे प्लेट, एक रील वील बना लेगा, वो भी बना लेगा, मैंने बनानी है रील, तो इस चक्कर में मैंने वो फिट ना करवाई। मैं कहा भाई अभी वैसी दे दे तू, मैं बाद में लगा लूंगा, मेरे तो कहते वहीं रख दो। भाई गाड़ी की चाबी दो तो ये रखी, एक ये तीसरा, हाँ भाई वही हमारी, देखो स्वीट होम यो लगाया मम्मी ने छल्ला, इस पर टाक दूंगा सारी गाड़ी की चाबी। देखने के बाद अगर तू मेरा रिएक्शन लेता तो ज्यादा अच्छा लगता है। पहना हुआ यहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है भाई इस गाड़ी ने, पर नू नहीं कि जाके यार नंबर प्लेट लगा दूं। पहना हुआ चला लगाई कहाँ, मैं तेरे चक्कर में लेके आया हूँ, मैं भाई अपना हाथों तो लगा देगा। ओहो दांत ले लगा दे तो मेरे हाथों तक गलत लगवानी तू। अरे ना वो तो लगवा लाया मैं, बहुत महंगी लाया तू दांत ले मेरा बहुत, मैं बताऊँ सच बताऊँ कम से कम 2 लाख सस्ती ले आता मैं। तू बहुत बढ़िया, अरे तू बताऊँ तेरे में दिमाग कम है, तू दांत ले तू पढ़ा लिखा कम है ना इस वजह से तेरा दिमाग कम। अरे भाई एक बात बता सुन भाई, जो वहाँ लोग होते हैं ना उनके दिमाग के साथ खेलना होता है भाई। अगर तू अगली गाड़ी पे 5 लाख तक नीचे लिया हुए तो जो तू कहेगा वो ले लियो, अगली गाड़ी मतलब जो अगले महीने ले रहे वो अगले महीने ना ले। मैं बताऊँ एक तो लेनी पड़ेगी दांत, अरे उसके लिए तो लेनी पड़ेगी, वो कौन चलाएगी कोई सी भी फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर तो फिर मैं रखूंगा ना अच्छा। तो समझ थोड़ा सा उसके काम के हिसाब से। अरे पैनामा इतनी गाड़ी इनका करेगा कि भाई, अरे भाई ले काम ना करे, स्विफ्ट रही स्विफ्ट कहीं ले जाना सके, स्विफ्ट तो वैसे होगी थोड़ा सब्जी वब्जी लाने के लिए, चलो वैसे नॉर्मल छोटे मोटे काम के लिए भाई गांव में ले गए वैसे होगी। अब किसी से मिलने जा रहे हैं तो योरी ना भाई इसे ले जाओ। अरे तो ये तो मेरे पास रहेगी ना, तेरे पास रहेगी कभी कभी मेरे पास रहेगी, तो उसे भी जैसे तेरी पर्सनल कौन सी होगी, चलेगी गाड़ी तू बता दे कौन सी मेरी, तेरी तेरी होगी अभी भी 2 साल वो चलाई ना बढ़िया भाई, ऐसा मजा आ गया मेरे को फॉर्च्यूनर में, और कुछ ना है। हाँ तो बढ़िया मजा आ गया इसमें, अलग है फील, तो बैठे रहो तो ये है कि कोई दिक्कत ना है कुछ। तो वो तो चल तेरी बात मानी, पर भाई कहीं मीटिंग में नू लगा ले तू, महीने में 2 मीटिंग होगी, महीने में 2 क्यों, 4 होगी, 6 होगी, 6 होगी, चल ठीक है, तो 6 बार यो फॉर्च्यूनर फ्री रहेगी। क्यों रहेगी भाई फ्री, अच्छा मैं कुछ काम है मान ले, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, व्लॉग जब शुरू करूंगा तो मैं अपने वो कर रहा हूँ तो मैं वो छोड़ दूँ कि भाई लो कहाँ है भाई यहाँ आ जाए, ऐसे ऐसे थोड़ी एक गाड़ी सबके पास चल रहा है पहनावा। हाँ भाई और फिर दूसरी चीज, 6 गाड़ी नहीं हमारे पे, 6 कोई सनरूफ वाली गाड़ी नहीं है अपने पास BM के अलावा, तो सनरूफ सनरूफ भी चाहिए फिर पहनावा, फिर एक काम कर अच्छी कैडी सी ले लेना, अरे कैडी ऐसी गाड़ी चाहिए जो उसके काम में भी यूज हो जाए और वैसे भी, समझ रहा है, मैं समझ गया कौन सी 0004 देख लेंगे, पर उस पे मैं ट्राई मारूंगा ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जो डीडी वो तो वापस अपने में आ जाएगा, वो तो वापस आ जाएगा, पर लेके वो ही आएंगे, अरे आएंगे तो चाहिए ना यार 0004 तुम्हारी भाभी को चाहिए नहीं, क्योंकि फिर वो है ना कि अलग सी गाड़ी रहे तो ठीक है, मतलब पहना हुआ देख लोग पता था, जब भी चलना कोई सा भी नंबर रख ले देख ले स्कोर अपनी स्विफ्ट पे ना वो यो खड़ी ठीक है, इसमें 75-34 है, अरे भाई उसका जब भी रोके जब भी रोका काम के हिसाब से, जब 0004 ऐसा रहेगा तो ऐसा लगेगा बदमाश बदमाश, 0004 देख के तो ऐसा लगेगा थोड़ा VIP इसलिए। चलो गाइस देखते हैं कल इस पे सुबह सुबह वो लगा दे नंबर प्लेट ठीक है, और उसने सेट कर दे, व्लॉग भी बना लूंगा मैं कल सुबह, कल से स्टार्ट है पहनावा, तो अभी अलग कुछ अलग तरह का वो करूंगा प्लान कर लिया है सब कुछ, बैठे ऊपर वो बोर्ड लग रहा है जो व्हाइट बोर्ड वहाँ पे लिखूंगा अभी सारी चीज, तो फिर दिखाऊंगा अभी तो भी। अभी तो मतलब 2 महीने लिखेगा, 2 महीने नहीं फिर 2 दिन 2 दिन अभी दो अभी दिन नई वीडियो डाल दूं फिर उसके बाद
ठीक है चल। गुड मॉर्निंग गाइस। भाई मेरा ना गला बैठ गया, पता ना क्या सीन है, पंखा चला के सो, आदत ऐसी पड़ेगी। मैंने कल सोची थी कि पंखा ना चलाऊंगा बिल्कुल भी, लेकिन मैं नींद ही नहीं, फिर जाकर मैंने पंखा चलाया, उसके बाद नींद आई है। पर सिर में दर्द और भाई जुकाम हो रहा बहुत तेज। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को एडिट करके डाल देता हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो उसको लाइक कमेंट से सब कुछ कर देना। मिलता है फिर नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।